व्यूवर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने अपनी मेहनत से बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अपना नाम बना लिया है। भारत की जनता ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी प्रियंका चोपड़ा को काफ़ी पसंद करते हैं। प्रियंका चोपड़ा निक जॉनस की शादी से दोनों के ही फैंस बेहद खुश थे। दरअसल प्रियंका की माँ ने मधु को ऐसा लगता था कि प्रियंका चोपड़ा कभी भी शादी नहीं करेगी। प्रियंका चोपड़ा की मां मधु ने प्रियंका चोपड़ा की शादी की उम्मीद भी करना छोड़ दिया था। हाल ही में दिए गए इंटरव्यू के दौरान प्रियंका ने इस बात का खुलासा किया कि जब मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी तो उसके बाद मेरी मां मधु काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। वह एक भारतीय महिला है और हर माँ अपनी बेटी या बेटे की शादी के लिए काफ़ी खुश रहती है। एक्ट्रेस ने साथ इस बात का भी खुलासा किया कि जब प्रियंका चोपड़ा 30 की हो गई थी तब उनकी माँ ने उन्हें प्रोडक्शन हाउस खोलने की भी सलाह दी थी और ताकि वो काम कर सके। और उनकी माँ का ये सोचना था कि जब तुम्हारी उम्र बढ़ने के साथ तुम्हें काम मिलना बंद हो जाएगा तो तुम्हें खुद से खुद के लिए कुछ करना होगा। कोई भी बड़ी उम्र की लड़की के साथ फिल्म करना पसंद नहीं करता है, इसलिए प्रियंका चोपड़ा की मां मधु ने प्रियंका को प्रोडक्शन हाउस खोलने की सलाह दी थी। लेकिन जब से प्रियंका चोपड़ा की शादी हो गई है प्रियंका की मां कभी उन्हें किसी चीज़ के लिए नहीं कहती है। बता दें कि प्रियंका चोपड़ा अक्सर निक जॉनस के साथ समय बिताती है और फोटो भी शेयर करती है। प्रियंका चोपड़ा अपने परिवार से काफ़ी नज़दीक है, अक्सर अपने परिवार से मिलती जुलती रहती है। प्रियंका इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है, अक्सर अपनी और अपने पति की फ़ोटोज़ को भी शेयर करती रहती है। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा के ने पति निक के साथ बीच की एक फ़ोटो शेयर की थी जिसमें दोनों कपल एक साथ काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहे थे। निक और प्रियंका की जोड़ी लोगों को काफ़ी अच्छी लगती है। हालांकि निक जॉनस प्रियंका चोपड़ा से काफ़ी छोटे हैं, उसके बाद वे प्रियंका अपने लुक से लोगों को घायल करती ही रहती है। प्रियंका चोपड़ा को देख यह कोई नहीं कह सकता कि वह 39 साल की है। वह बेहद ही खूबसूरत और अपनी पर्सनैलिटी से अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। लेकिन आपको इन दोनों की जोड़ी कैसी लगती है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ।